माता काली अपने भक्तों पर किस प्रकार प्रसन्न होती हैं, इसका एक आपको मैं कथा सुना रहा हूँ, सुनिएगा और कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक बार एक भक्त होता है, वह माता काली को प्रसन्न करने के लिए मंत्रों की खोज करने लगता है। तब वह एक ऐसे गुरु के पास पहुँच जाता है जो अलग दिशा वाले होते हैं। तो वह जब व्यक्ति पहुंचता है तो उसको वह साधारण समझकर कहते भोला बच्चा है, इसको कोई भी मंत्र पकड़ा देते हैं और कहते हैं कि जाओ एक माता काली का मंत्र है। वह मंदिर में जाकर माता काली को के सामने बड़े भाव से उस मंत्र का जाप करता रहता है। एक वर्ष बाद माता दिव्य रूप में उसे दर्शन देती हैं और कहती हैं मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन तुम ये जो मंत्र का उच्चारण कर रहे हो ये गलत है। तो वह बड़ा भोला होता है, वो कहता है कि मैया मैं कुछ नहीं जानता, मैं आपसे प्रेम करता हूँ और आपने इस मंत्र के द्वारा ही मुझे दर्शन दिया है, तो ये गलत कैसे हो सकता है। तो माँ कहती मैं तुम्हारे भाव से प्रसन्न हुई हूँ इसलिए मैं सामने आ गई। तो वह कहता है कि मैया मैंने जन्मों जन्म की अपनी तपस्या सफल कर ली है। इसके बाद माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं और कहती हैं हे भक्तराज, हे मेरे पुत्र, मैं जैसे तुम पर प्रसन्न हुई हूँ उसी प्रकार मैं सब पर प्रसन्न होंगी। आज से ये जो मंत्र है, तुमने जो अशुद्धि वाला मंत्र जपा है, जो अपूर्ण मंत्र है, इस मंत्र से ही मैं सिद्ध होंगी, इस मंत्र के द्वारा ही जो भक्त हैं वह मेरे दर्शन प्राप्त होंगे। तो ऐसी है माता काली, वह अपने भक्त से अथक प्रेम करती हैं। यदि अपने भक्त के ऊपर कोई शत्रु बाधा प्रेत बाधा अन्य आती हैं तो उसका जड़ मूल से विनाश कर देती हैं। ऐसी है मैया काली, ऐसा ही उनका स्वरूप है। आपके साथ कोई घटना घटित हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा।